वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि बांदा बड्डल कारागार के जेल अधीक्षक को धमकी मिली है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेल अधीक्षक को धमकी दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज के सीयूजी नंबर पर कॉल आई। आपको बता दें कि 28-29 मार्च की रात 1:37 पर फोन पर धमकी मिली है। और साथ ही आपको बता दें कॉलर ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। अज्ञात व्यक्ति पर नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। जेल अधीक्षक ने मीडिया कर्मियों से दूरी बना रखी है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। यह बांदा जेल वही है जहां पर मुख्तार अंसारी एक लंबे समय से बंद था, और बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। उसके बाद अब बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को धमकी दी गई है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जेल अधीक्षक को जिस तरीके से धमकी दी गई है, देखिए मैं आपको बता दूं कि कारागार में यहाँ मुख्तार अंसारी काफी अरसे से बंद था, और यहाँ पर जो जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा थे, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि अज्ञात नंबर से लगभग 1:30 बजे के आसपास 1:37 में 28/29 को एक फोन आता है और 14 सेकंड तक फोन में कॉलर जो इनको गालियां देता है और जान से मारने की धमकी देता है। फिलहाल वहीं अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नगर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है और 504 और 507 धारा में दर्ज हुआ है मुकदमा। लेकिन जेल अधीक्षक से कई बार मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ना तो ही फोन उठा रहे हैं और ना ही वो अब मीडिया के सामने आ रहे हैं। जी फिलहाल जेल से इस धमकी से क्या कुछ मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कहा, ऐसा सूत्र कहते हैं कि 28 तारीख को जैसे ही मुख्तार अंसारी की यहाँ मौत हुई थी, लगभग वही 8:30 से 9 के बीच पर, वही लगभग 1 बजे के आसपास। ठीक है, मनोज आपने से बना रखेगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बरेली से खबर सामने आ रही है, जहाँ पर मौलाना तौकीर रजा कोर्ट में आज भी पेश नहीं हुए। तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है। और आपको बता दें कि जिला जज विनोद